ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस। व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? इन्वेस्टमेंट मींस परचेजिंग गुड्स सच एज इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, न्यू बिल्डिंग्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का अगर टेक्निकली मतलब देखें तो ये होता है बेटा कि कोई भी बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या कहता है कि यार हम कोई इक्विपमेंट खरीदें, हम कोई गुड्स खरीदें, हम कोई बिल्डिंग खरीदें, और उनका जो पर्पस होता है वो होता है कि भाई हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स इस पे अर्न हो, हम इस पे फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएं। ऑल बिजनेसेस मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते ही लेते हैं। मेनी ऑफ दीज इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इशूज सच एज रिलोकेशन ऑफ प्रेमिसेस और अडॉप्शन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंजीनियरिंग मेथड्स। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मीन्स असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज यूजुअली अंडरटेकन बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मैनेजर्स यूज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स टू असेस वेदर द लाइकली फ्यूचर रिटर्न्स ऑन प्रोजेक्ट विल बी ग्रेटर देन द कॉस्ट एंड बाय हाउ मच। अब आप जब जाहिर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपका एम होता है कि यार मुझे इस पे ना फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट हो, तो दो तीन चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि यार फ्यूचर ये मुझे कितना कैश फ्लो जनरेट करके देगा, मुझे कितना मुनाफा ये जनरेट करके देगा, मुझे कितना प्रॉफिट ये जनरेट करके देगा। पहली चीज़ तो मैं ये देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा। अब पे बैक पीरियड बेटा मुझे ये बताता है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैं लगा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर पर वो मुझे कितने टाइम पीरियड में वो कॉस्ट मुझे कवर हो जाएगी। जो मेरा कैश आउटफ्लो है वो मुझे कितने टाइम पीरियड में बेटा कवर हो जाएगा, ये मेरा पे बैक पीरियड बताता है। फिर इसी तरह से हम एआरआर निकालते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो भी हम सीखेंगे कि एआरआर कैसे निकलता है, उसके हम क्वेश्चंस भी थोड़े से डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से हम जो है वो कैश फ्लो भी निकालना सीखेंगे कि नेट कैश फ्लो आपका कैसे निकलता है, और ये थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उस वो आपको वायबल है, उसकी कितनी फाइनेंशियल वायबिलिटी है और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कितनी है, मतलब वो आप वो फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस को बेटा सपोर्ट करता है डिसाइड करने में वेदर टू परस्यू अ प्रोजेक्ट बाय एनालाइजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगेंस्ट द कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व। अब जाहिर है ये ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है ये देखने में कि जो वो प्रोजेक्ट परस्यू करने जा रहे हैं उसके ऊपर उनका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा अगेंस्ट द कॉस्ट, कॉस्ट के मुकाबले में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट होगा एंड द रिस्क इन्वॉल्व, और जाहिर रिस्क को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ों को बेटा एनालाइज करना। तो इसमें हम सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ये आपको बताएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ प्रोजेक्ट्स लाइफ। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पोटेंशियली प्रॉफिटेबल है। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो फिर वो इंडिकेट करते हैं कि यार आपका जो प्रोजेक्ट है वो पोटेंशियली इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर हम आईआरआर देखेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर हम पे बैक पीरियड देखेंगे, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। फोरकास्टिंग कैश फ्लो इन एन अनसर्टेन एनवायरमेंट। All the techniques used to appraise investment project require forecasts to be made of future cash flows. These figures are referred to as forecasted net cash flows. It is assumed that cash flows are same as annual revenue earned from the project. Cash outflow are the initial capital cost of an investment and the annual operating cost. अब कैश आउटफ्लो जो होता है वो आप कहते हो कि यार जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी जो इनिशियल आपको कैपिटल कॉस्ट पड़ रही है और जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो, जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आप पे कर रहे हो वो आपके कैश आउटफ्लो में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आसान नहीं होता फोरकास्टिंग दीज कैश फ्लो कि भाई फ्यूचर में मुझे कितना कैश इनफ्लो जनरेट होगा,
ये यूजुअली ज़ाहिर है 100% एक्यूरेट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके रेवेन्यू फोरकास्ट को अफेक्ट करते हैं। इसमें बेटा आपका इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, जो जाहिर है पोटेंशियली रिड्यूस करेगा बोथ बिजनेस एंड टूरिस्ट ट्रैफिक थ्रू द एयरपोर्ट। ऑयल प्राइजेस राइजेस कुड लीड टू हायर प्राइजेस फॉर एयर ट्रैवल रिड्यूसिंग डिमांड लेवल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाई स्पीड रेल लिंक माइट इनकरेज सम ट्रैवलर्स टू स्विच टू दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे बेटा क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे बैक एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। द बेसिक क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आर पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक मेथड, इफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट $2 million एंड इज एक्सपेक्टेड टू पे बैक $500,000 पर ईयर, द पे बैक पीरियड विल बी 4 years। दिस कैन देन बी कंपेयर्ड विद द पे बैक पीरियड ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बेटा बोल रहे हैं कि आपका जो कैश आउटफ्लो है, आपका जो कैश आउटफ्लो है वो है 2 million, ठीक है, और आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको कैश इनफ्लो जनरेट होगा 500,000 पर ईयर। हर साल आप एस्टीमेट कर रहे हो कि आप $500,000 अर्न करोगे पर ईयर, ठीक है। तो टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो 4 years होगा। अब ये मेरे पास कैसे निकले, बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ सिंपली किया 2 million डिवाइडेड बाय 500,000, तो मेरे पास आ गया 4 years आंसर। अब ये 4 years का क्या मतलब है कि ये जो मैं 2 million लगा रहा हूँ, जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है मेरी, ये कवर करने के लिए मुझे 4 साल लगेंगे अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा हर साल का कैश इनफ्लो जो है वो $500,000 होगा, ठीक है। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका हर साल का कैश इनफ्लो $500,000 है और आपका कैश आउटफ्लो 2 million है, तो 2 million डिवाइडेड बाय 500,000 आप करोगे तो आपका आपके पास आंसर आ जाएगा 4 years। अब जो दिस कैन देन बी कंपेयर्ड विद पे बैक पीरियड ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अब आप जाहिर इसको कंपेयर भी कर सकते हो किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये देखने के लिए कि दोनों में से बेहतर कौन सी है। अब आप लेट्स सपोज दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका पे बैक पीरियड आ रहा है 3 years, तो मैं बोलूंगा कि यार पोटेंशियली जो इन्वेस्टमेंट बी है जिसका 4 years आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ए में पे बैक पीरियड मेरा 3 years है, तो उसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो कैश आउटफ्लो है, अगर मैं सिर्फ पे बैक पीरियड को देखूँ तो मैं बोलूंगा कि उसमें मुझे ज़्यादा जल्दी मिल रहा है, 3 साल में मिल रहा है, वेयर एज इस इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट बी के अंदर मुझे 4 साल में मिल रहा है। तो ये होता है आपका पे बैक पीरियड। ये टेक्निकली आपको सिर्फ ये बताता है कि जो आपकी कॉस्ट है, जो आपका कैपिटल कॉस्ट है, जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कितने टाइम पीरियड में बेटा कवर हो जाएगी, वो कितने अरसे में कवर हो जाएगी, ये आपको आपका पे बैक पीरियड बताता है। तो पे बैक पीरियड क्या है, पे बैक पीरियड इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक्स दैट मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इट्स इनिशियल कॉस्ट थ्रू कैश इनफ्लोज। इट्स सिंपल एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर असेसिंग द वायबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको वायबिलिटी चेक करनी है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, तो आप ये पे बैक पीरियड के थ्रू चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं। अब फर्स्ट कर लें यहाँ पे आगे, इसने मुझे क्या बोला, एट द एंड ऑफ ईयर 2 50,000 इज नीडेड टू पे बैक द रिमाइंडर ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अ टोटल ऑफ $150,000 इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ईयर 3। $50,000 इज 1/3 ऑफ 150,000 एंड 1/3 ऑफ अ ईयर इज द एंड ऑफ द मंथ 4। टू फाइंड आउट एग्जैक्ट मंथ वी यूज द फॉर्मूला। अगर आपको एग्जैक्ट मंथ चाहिए हो, अगर आपको ये देखना हो कि यार एग्जैक्ट कितने ईयर्स और कितने मंथ्स में आपका पे बैक पीरियड हो रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
मंथ्स के लिए, एडिशनल मंथ्स टू पे बैक। फॉर्मूला क्या है बेटा? एडिशनल नेट कैश इनफ्लो नीडेड डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो इन ईयर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। अब यहाँ पे इसने एक हमें एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ टेबल में। अब यहाँ अगर आप देखो तो ये मुझे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यार ईयर जीरो। अब ईयर जीरो का मतलब है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है ना, जो बेटा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कितनी है, 500,000 डॉलर्स। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है 500,000 डॉलर्स, और फिर मैं इस इन्वेस्टमेंट को हर साल अपने कैश फ्लो से कवर कर रहा हूँ। यानी कि पहला साल जो है उसके अंदर आपने अर्न किया 300,000, दूसरे साल में आपका कैश इनफ्लो है 150,000, तीसरे साल में आपका कैश इनफ्लो है 150,000, चौथे साल में आपका कैश इनफ्लो है 100,000। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बेटा कितना होगा? नेगेटिव 500,000 प्लस 300,000 इक्वल्स टू नेगेटिव 200,000। फिर नेगेटिव 200,000 प्लस 150,000 इक्वल्स टू नेगेटिव 50,000। फिर नेगेटिव 50,000 प्लस 150,000 इक्वल्स टू 100,000। यानी कि दूसरे और तीसरे साल के बीच में जो है वो आपको कैश फ्लो हुआ है, दूसरे और तीसरे साल में। तीसरे साल में पूरा पॉजिटिव हो गया था, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 100,000। यानी कि दूसरे और तीसरे साल के बीच में हुआ। अब मैं अगर ये फॉर्मूला यूज करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ अपनी वैल्यू। मुझे ये पता है कि तीसरे साल में जो है एनुअल कैश फ्लो इन ईयर 3, तीसरे साल में बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, दूसरे साल तक नेगेटिव रहा है, फिर दूसरे साल के बाद जो है ये पॉजिटिव हो गया था। तो मैं कह सकता हूँ भाई 2 साल लगे हैं तकरीबन इसको। और मंथ्स के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एडिशनल नेट कैश इनफ्लो नीडेड। कितना एडिशनल कैश इनफ्लो मुझे चाहिए? अगर दूसरे साल के मैं देखूँ तो 50,000 मुझे चाहिए, क्योंकि दूसरे साल में 50,000 नेगेटिव है ना। और तीसरे साल में आपका कैश इनफ्लो कितना है बेटा? 150,000, क्योंकि तीसरे साल में पॉजिटिव हो गया था, मल्टीप्लाई बाय 12, तो मुझे मंथ्स पता चल जाएंगे। तो ये आ गया 4 मंथ्स, ये आ गया हमारे पास 4 मंथ्स। 50,000 डिवाइडेड बाय 150,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास आंसर आ गया 4 मंथ्स। यानी कि टोटल जो इसको लगा है वो, अब देखो इसको देख के तो मुझे ये समझ आ रहा है ना कि भाई दूसरे और तीसरे साल के बीच में कभी जो है वो आपका पे बैक पीरियड हुआ है। अब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी हो कि भाई नहीं मुझे आप एग्जैक्ट बताओ ये दूसरे और तीसरे साल में कौन कितने महीनों में आपका पे बैक पीरियड हुआ, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एडिशनल नेट कैश इनफ्लो नीडेड डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो इन ईयर 3 मल्टीप्लाई। ईयर 3 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईयर 3 में आपका जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो गया था, ये 4 मंथ्स आ गए। यानी कि टेक्निकली आपको 2 साल और 4 महीने लगे हैं कैश फ्लो पे बैक पीरियड अचीव करने के लिए, पे बैक पीरियड अकम्प्लिश करने के लिए, 2 years and 4 months इन ऑर्डर टू अचीव पे बैक पीरियड। Why is the payback period of a project important? अब सवाल यहाँ पे ये आते हैं कि हमने ये समझ लिया कि सर payback period जो है ये particularly ये है क्या, ये एक financial metric है जो measure करता है time it takes for an investment to recover its initial cost through cash inflows। कि cash inflows से कितने अरसे में, कितने टाइम पीरियड में आपकी जो कैश आउटफ्लो है वो कवर हो रही है, आपका पे बैक पीरियड अचीव हो रहा है। अब सवाल ये है कि पे बैक पीरियड इज इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है आपका पे बैक पीरियड? अब ये क्वेश्चन है आपका। तो बेटा इसका जवाब बहुत सिंपल है, द पे बैक पीरियड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, सबसे पहले तो लिक्विडिटी असेसमेंट आ जाता है। मैं ना ये पूरे को समराइज आपके लिए कर देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले बेटा लिक्विडिटी असेसमेंट आ जाता है, इट हेल्प्स बिजनेसेस इवैल्यूएट हाउ क्विकली दे कैन रिकवर देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट व्हिच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी। अब जो भी बिजनेस होगा जिसको अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है या अपने कैश फ्लोज मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए लिक्विडिटी असेसमेंट के लिए ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो वो पैसा लगा रहे हैं
जो ईयर जीरो में उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में जाके कवर होगी। दूसरा बेटा रिस्क मिटिगेशन के लिए भी जरूरी है। शॉर्टर पे बैक पीरियड ऑफ एन इंडिकेट लोअर रिस्क एज द इन्वेस्टमेंट रिकवर्स इट्स कॉस्ट मोर क्विकली रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू अनसर्टेनिटी। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा। सिंपल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी आपको सपोर्ट करता है आपका पे बैक पीरियड। द स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ऑफ पे बैक पीरियड कैलकुलेशन मेक्स इट एन एक्सेसिबल टूल फॉर मैनेजर्स टू क्विकली असेस इन्वेस्टमेंट फीजिबिलिटी। कैश फ्लो फोकस के लिए भी जरूरी है। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश इनफ्लोज ओवर टाइम हेल्पिंग बिजनेसेस प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट कैश प्रॉम्प्टली। तो कैश फ्लो फोकस के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश इनफ्लो ओवर टाइम जो बिजनेसेस को प्रायोरिटाइज करने में सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स दैट जनरेट्स कैश प्रॉम्प्टली। बजटिंग और प्लानिंग के लिए भी आपका पे बैक पीरियड जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज पे बैक एनालिसिस टू इन्फॉर्म बजटिंग डिसीजंस एंड एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली स्पेशली इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, तो खैर मैं ये पूरा समराइज भी आपके लिए कर देता हूँ। देखो दो तरह के आपके पास सवाल आ सकते हैं। पे बैक पीरियड तो समझ आ गया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब एक तो ये सिनारियो हो सकता है कि भाई एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि कैश आउटफ्लो आपका इतना है, लेट सपोज 2 मिलियन डॉलर्स का आपका कैश आउटफ्लो है, और एग्जामिनर ने आपको ये दे दिया कि भाई पे बैक पीरियड जो है वो आपका हर साल सेम है, यानी कि पे बैक पीरियड आपका चेंज नहीं हो रहा, पे बैक पीरियड आपका हर साल सेम है, डिफरेंट नहीं है, हर साल 500,000 डॉलर्स ही है। तो फिर इसके लिए पे बैक पीरियड निकालना बड़ा सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जैसे यहाँ पे दो दो मिलियन है तो 2 2 मिलियन को आप डिवाइड कर दोगे 500,000 से, तो आपके पास 4 आंसर आएगा। तो आपको पता चल गया कि 4 साल लगेंगे इस 2 मिलियन को कवर करने के लिए, पे बैक पीरियड अचीव करने के लिए 4 ईयर्स आपको लगेंगे। एक तो आप ये मेथड यूज करोगे, लेकिन इसके अंदर आप अज्यूम कर रहे हो कि भाई आपका जो कैश इनफ्लो है वो हर साल सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो वेरी नहीं हो रहा, इट्स सेम एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, पे बैक पीरियड आपका जो है वो हर साल, सॉरी जो आपका कैश इनफ्लो है वो हर साल चेंज हो रहा है, जैसे आपने पार्ट बी में देखा यहाँ टेबल में। अब इसमें एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, इसमें एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई पहले साल 300,000 डॉलर्स था, दूसरे साल 150,000 डॉलर्स था, तीसरे साल भी 150,000 डॉलर्स है, और चौथे साल आपका 100,000 डॉलर्स। अब यहाँ पे मेरा पे बैक पीरियड जो है वो दूसरे और तीसरे साल के बीच में कभी आ रहा है, मुझे ये तो पता है कि भाई दूसरे साल में नेगेटिव है और तीसरे साल में जाके पॉजिटिव हुआ है, लेकिन तीसरे साल में कब हुआ है, तीसरे साल में जो है वो 100,000 हो गया था आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यानी कि दूसरे और तीसरे साल के बीच में हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चले अपने पे बैक पीरियड, मुझे ये एग्जैक्ट टाइम पता चले कि कितने साल और कितने महीने में पे बैक पीरियड अचीव हो रहा है। तो बेटा मैं सिंपली एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू अचीव पे बैक, दैट इज हमारे पास यहाँ पे है $50,000 आपको रिक्वायर्ड है पे बैक पीरियड अचीव करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा $50,000 डिवाइडेड बाय कैश फ्लो इन ईयर थ्री, क्योंकि ईयर थ्री में जाके पॉजिटिव हुआ है ना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो कैश फ्लो इन ईयर थ्री क्या है आपके पास, 150,000 मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे मंथ्स में पता चल जाए, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 4 मंथ्स, तो मुझे पता चल गया कि 2 साल और 4 महीनों में आपका जो पे बैक पीरियड है वो अचीव हो गया था। फिर ये भी हमने बेटा डिस्कस कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन क्या होगी आपके पे बैक पीरियड की, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं पे बैक पीरियड के। देखिए एडवांटेजेस सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है,
इजी टू अंडरस्टैंड है, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। जाहिर है जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो इसको इजीली समझ सकते हैं, इजी टू कैलकुलेट है, तो टेक्निकली सिंप्लिसिटी जो है वो इसका एक एडवांटेज हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज बेटा इसका ये है कि रिजल्ट्स आर इजीली अंडरस्टूड बाय मैनेजर्स। जो आपके मैनेजर्स भी हैं वो भी रिजल्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको भी रिजल्ट्स इजीली समझ आएंगे। ठीक है, तीसरा इसमें आप ये बोल सकते हो कि एम्फसाइजेस ऑन कैश इनफ्लोज विच आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। इसका एम्फेसिस होता है ऑन स्पीड ऑफ रिटर्न ऑफ कैश फ्लोज, कि कितने क्विकली आपके कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं, जो बेनिफिट देगा ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मोर एक्यूरेट शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क रिडक्शन भी होता है, यानी कि शॉर्टर पे बैक पीरियड्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क एज इन्वेस्टमेंट्स दैट रिकवर क्विकली रिड्यूस एक्सपोजर्स टू अनसर्टेनिटीज। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए भी आपका पे बैक पीरियड इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? बिकॉज पर्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर बिजनेसेस दैट प्रायोरिटाइजेस क्विक रिटर्न्स और ऑपरेट इन वॉलेटाइल्स मार्केट। ठीक है, और ये जाहिर है कंपैरिजन में भी बेटर सपोर्ट करता है, कि जाहिर है आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उन दो प्रोजेक्ट्स का पे बैक पीरियड देख सकते हो कि भाई अच्छा जी, एक का पे बैक पीरियड इतना आ रहा है, दूसरे का पे बैक पीरियड इतना आ रहा है, तो दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि दोनों में से किस प्रोजेक्ट की तरफ आपको जाना चाहिए। तो जाहिर है ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है आपका पे बैक पीरियड, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट करता है। लेकिन इसके बेटा कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? कि सबसे पहले तो इट डज नॉट मेजर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। जाहिर है जो पे बैक पीरियड के बाद जो कैश फ्लोज है वो उसको इग्नोर करता है, वो बस ये आपको बताएगा कि भाई इतने अरसे में, जैसे 4 साल में पे बैक पीरियड हो रहा है, 3 साल में, अब ये नहीं बताएगा कि भाई अच्छा जी 2 साल में तो हो गया, लेकिन फिर 2 साल के बाद कितना आपका कैश फ्लोज जनरेट हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो आपको मिल रहा है। ठीक है, अब ये पॉसिबल है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे ऑन कैपिटल, बट देन टू ऑफर नो अदर कैश इनफ्लोज, बट हो सकता है फिर बाद में जाके आज तक आपको कैश इनफ्लोज जनरेट ना हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो ये एक पोटेंशियल ड्रॉबैक बन सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन शॉर्ट टर्म में लीड बिजनेस टू रिजेक्ट वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जस्ट बिकॉज दे टेक सम टाइम टू रीपे द कैपिटल। इट डज नॉट कंसिडर द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज ड्यूरिंग द पे बैक पीरियड। दिस विल बिकम क्लियरर व्हेन प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग इज एग्जामिन। जब हम आगे जाके डिस्काउंटिंग वाले प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा कुछ पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन है, ये भी मैं आपके साथ करके दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑन अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 30,000 विद फोरकास्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ $5,000 ईच ईयर। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, वो कह रहा है कि भाई आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी जो कॉस्ट है वो आपको $30,000 पड़ रही है, यानी कि जो कैश आउटले है, जो कैश आउटफ्लो है, दैट इज $30,000। एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जेनरेट कैश फ्लोज ऑफ $5,000 ईच ईयर। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड 30,000 बाय $5,000, तो मेरे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा पहले वाले का 6 ईयर्स। पहले वाले का मेरे पास आंसर आएगा 6 ईयर्स। फिर इसी तरह से लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑन अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 4 मिलियन विद अ फोरकास्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ 1.5 मिलियन ईच ईयर। फोर मिलियन जो है वो आप कह रहे हो कि आपका कैश आउटले है, और 1.5 मिलियन जो है वो आप कह रहे हो कि आप हर साल रेवेन्यू जनरेट करोगे, मतलब आप कैश इनफ्लो जनरेट करोगे, तो ये हो जाएगा 1,500,000। ठीक है,
4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1500,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 2.6 ईयर्स। फिर इसी तरह से बेटा अगले वाला, वो आपको क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑन अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग $250,000 विद फोरकास्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ $80,000 ईच ईयर। सो दिस इज गोइंग टू बी 3.125 ईयर्स आपको कैश फ्लोज जनरेट होंगे। अब ये तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें वो आपको कह रहे हैं कि हर साल सेम कैश इनफ्लो आपके पास आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले पहले साल कुछ और है, दूसरे साल कुछ और है, तीसरे साल कुछ और है, नहीं, इट्स नॉट लाइक। यहाँ पे एग्जामिनर मुझे बोल रहे हैं कि एवरी ईयर आई एम अर्निंग सेम कैश फ्लो, सेम कैश इनफ्लो आपको मिल रहा है हर साल। तो ये ज़्यादा आसान होता है कि भाई मैं सिंपली कैश आउटफ्लो को डिवाइड कर दूंगा जो मेरे पास कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं एवरी ईयर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार इतने कैश फ्लोज जनरेट होंगे हर साल, तो इसको डिवाइड कर दिया और आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि कितने ईयर्स में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, आपका जो कैश आउटले है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई पेबैक पीरियड का एक सबसे बड़ा मसला क्या है। ठीक है, पेबैक पीरियड, जैसे मैंने ऊपर भी बोला कि पेबैक पीरियड जो है इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट कुड अफेक्ट कैश फ्लोज सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और मार्केट डिमांड। ये जो है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स को कंसिडर नहीं करता, जैसे आपका इन्फ्लेशन हो गया, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट हो गया या मार्केट डिमांड हो गई, ये इन फैक्टर्स को इग्नोर करता है, इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। और इसी तरह से बेटा चेंजेस इन लॉज हो गए और रेगुलेशंस हो गई कैन इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लोज, बट द पे बैक पीरियड फेल्स टू कंसिडर दीज पोटेंशियल शिफ्ट। लेकिन पे बैक पीरियड ऑब्वियसली इन फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं करता। अगर कोई आपके रेगुलेशन चेंज हो रही हैं, कोई लॉज चेंज हो रहे हैं जो पोटेंशियली आपके कैश इनफ्लोज को भी अफेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट आगे जाके टैक्सेस बढ़ा दे, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी, अचानक से कोई लॉ चेंज हो गया, कोई रेगुलेशन चेंज हो गई, तो मेरा पे बैक पीरियड पे जो मैं एस्टिमेट कर रहा था, जो मैं एनालिसिस कर रहा था, वो भी चेंज हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। कंपेटिटिव लैंडस्केप होता है, द इम्पैक्ट ऑफ कंपेटिटर्स एंटरिंग और एग्जिटिंग द मार्केट विच कैन इन्फ्लुएंस सेल्स एंड कैश इनफ्लोज इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पे बैक पीरियड। जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं जो मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं या जो मार्केट से एग्जिट कर रहे होते हैं, विच कैन इन्फ्लुएंस सेल्स, और ये आपकी सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड द कैश इनफ्लोज, ये आपके पे बैक पीरियड एनालिसिस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, रैपिड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी कैन रेंडर एन इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिटेबल ओवर टाइम, बट द पे बैक पीरियड डज नॉट फैक्टर इन रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं बेटा, पे बैक पीरियड उसको भी अकाउंट फॉर नहीं करता। शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज और मार्केट ट्रेंड्स दैट कुड अफेक्ट फ्यूचर कैश इनफ्लोज आर नॉट कैप्चर्ड इन द पे बैक पीरियड कैलकुलेशन। कस्टमर्स के ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं, टेस्ट भी चेंज होता है, सेम नहीं रहता। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी जो कस्टमर को पसंद है बस वही चीज पसंद होगी, कस्टमर को इसके अलावा कोई चीज पसंद नहीं हो सकती। नहीं, ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं, टेस्ट भी चेंज हो सकता है, फैशन भी चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज कॉन्स्टेंट रहेगी, हर चीज सेम रहेगी, तो ये भी चीज इग्नोर करी जाती है आपके पे बैक पीरियड।